दूंगी। ये देखो जैसे ही बारिश बंद हुई फिर से आ गई। पंच उसको घुमा रहा है सानवी को, ये कितने मजे से कह रही है। ऊपर से बारिश भी आ रही तो हम उसको अंदर ला रहे तो वो रो जा रही है। देखो इसको, ये देखो कैसे घूम रही है कितने मजे से साइकिल में। कितना अच्छा लगता है इसको साइकिल में बैठना। पंच भी डांस करने लग गया, पाँव भी हिला रही थी साइकिल में बैठते बैठते। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी मस्त होंगे, तो मैं भी मस्त हूँ। मेरा नाम हिमानी रखवाल, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिमानी रखवाल ब्लॉग पे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ पातला क्या भैली हरियाली। मेरा डाना पातला क्या भैली हरियाली। लगिरो चहल डाना है रो। ये तक बुलाए थे फिर ये फूल तो खिल रहा है और फिर शाम को बंद हो जा रहा। खिलाई यहाँ पर खिलाई ये देख सकते हैं आप। ये आपको बाहर का मौसम तो क्या, बारिश ही हो रही सुबह से, और कभी बारिश कभी मतलब मन नहीं हो रही, कभी हो रही कभी नहीं हो रही, रुक रुक के हो रही। और धूप तो नहीं आई, क्योंकि धूप नहीं आने की वजह से सानवी के कपड़े भी नहीं सूखते और आज भी नहीं सूखे उसके कपड़े। और आज तो मैंने उसका झूला भी धो दिया, वो भी नहीं सूखा है, वो भी गीला ही है। मैंने सोचा उसे रख दूँगी अब, क्योंकि अब सानवी इसमें नहीं सोती ना, तो उसको रख देंगे पैक करके, क्योंकि अब उसकी गाड़ी आ चुकी है। अब गाड़ी में खेलती है, वैसे भी झूले से कोई मतलब नहीं होता उसे। झूले पे दगलू अपनी बैठ के हमारे बैठ के बगल में लगाते हैं उसको, और अपना फ़ोन रखते हैं शाम को सोते वक्त। बाकी कुछ काम करनी है, बाकी सानवी की पैजामे की थैली वगैरह रहती है, पर वहाँ पर मैंने कुर्सी रख दी तो झूला रख दूँगी मैं उसका, सूख जाएगा। तो अभी मैं आई थी यहाँ लहसुन लेने, और ढक्कन मतलब बाहर पानी जो लगा रखा उसमें ढक्कन लगाने, तो ढक्कन तो मैंने लगा लिया। और बाहर बहुत बहुत ही ज़्यादा कोहरा लग चुका है, तो शाम का मौसम है, कल फिर बारिश होगी क्योंकि कोहरा लगा है बाहर। और तो मैंने तो सब्जी भी काट दी, बैंगन और मिर्च बैंगन और मिर्च में लाहौरी मिर्च ला ली है, तो मैंने सब्जी भी काट दी। और मैं आई थी लहसुन लेने, प्याज भी काट दिया था, तो मैं आई थी यहाँ लहसुन लेने। तो मैंने 4 पीस निकाल चुके हैं लहसुन के, तो मैं नीचे जाऊंगी इसको छिलूंगी, एक ही छिलूंगी, बाकी 1-2 कल के काम आएंगे। और बाहर का तो मौसम ऐसे ही है, बाहर कुछ हो नहीं पाएगा अभी तो, अब मैं कहीं जा भी नहीं पाऊंगी खेतों में, क्योंकि मैं वैसे जाती तो नहीं, बहुत कम जाती हूँ, कभी कभार खेतों में जब धूप रहती तभी जाती हूँ, बारिश में नहीं जाती हूँ। तो रहेंगे घर ही सानवी को लेके। सानवी नीचे रो रही है बूबू के साथ, शायद ऊपर जाने के लिए कहीं, उसको बूबू ने आदत बिगाड़ दी ना उसकी, वो ऊपर दुकान पे ले जाते हैं तो उसको वहीं चलो बोल रही है अभी भी वो। तो मैं तो नहीं घुमाती उसको, इसलिए मेरे साथ नहीं रहती हो, बूबू अम्मा घुमाते हैं उन्हीं के साथ रहती है, और उसके ताऊजी भी घुमाते हैं तो उनके साथ ज़्यादा रहती हो, जाने के लिए मतलब ज़्यादा उत्सुकता होती है उसको। तो मेरा और दगड़ से उससे कोई मतलब नहीं, शाम को सोते वक्त आते हैं। Bye, Tata. Tata.
जा फिर जा। अंत क्या कर रहा? दिखाना फिर दिखाना। वो देख कितने देर तक फूटा, देख देख उसको, देख उसको, देखो अभी तक नहीं फूटा हुआ, देख तो मैंने बबल्स फुला लिए, तो अब मैं लहसुन छिलती हूँ। अबे पता दूसरा दूसरा क्या रहे तो गाइस ये देखिए कांच की गोद में चढ़ा है दादा कंधे में सर। अभी पर्दे बांधने पड़ता, पर्दे बांधने का पड़ती ना पर्दा इसको कवाते
तो गाइस अभी बच्चों का शाम का 4:30 और मैं बनाने लगी रोटी। ये हमारी कोको की रोटी नहीं पड़ी। बबल सर देखता।